साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समादरणीय संचालक महोदय, विद्वज्जनों से संयुक्त भक्तों का समुदाय, श्रद्धामयी देवियों, आइए भगवान के परम पावन चरित्र के साथ जुड़ करके अपने मन और अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास करें। जो विषय आप सबके बीच में चल रहा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव खण्णाम भग इतीर्णः। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिसमें समग्र ऐश्वर्य हो, पूर्ण धर्म हो, यश हो,
और लक्ष्मी जिनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, जिनमें परिपूर्ण ज्ञान होता है और पूर्ण वैराग्य होता है, ऐसे हमारे भगवान हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। सो उन्हीं से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जो गुण आप में हैं। देखो, भक्त जब भगवान का चिंतन करता है, भगवान का मनन करता है, उनका अर्चन करता है, वंदन करता है, पूजन करता है, तो भगवान से उसका मन एकाकार हो जाता है और तब भगवान के गुण उसमें सहज रूप में आने लगते हैं। क्योंकि मन की हमारी ऐसी विशेषता है, वो जिससे जुड़ जाता है उसके जैसा हो जाता है। हमारे संत एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। एक भौंरा था, कमल के ऊपर बैठ गया और कमल के ऊपर बैठ करके कमल के रस का पान करने लगा। कमल के पराग के आस्वादन से उसे आनंद आने लगा, वो बाहर के संसार को भूल गया। धीरे धीरे सायंकाल हुआ, रात्रि में कमल संपुटित हो गया। अब वो भौंरा उसके अंदर बंद है और अंदर बंद होकर के वो मन ही मन में सोच रहा है कि रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम्, प्रातःकाल होवेगा, भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, सूर्य भगवान निकलेंगे, कमल फिर खुलेगा और फिर मैं इस कमल से उड़ जाऊंगा, ऐसा वो सोच रहा था। और कमल के रस का पान कर रहा था, उसके पराग का आस्वादन कर रहा था। लेकिन दैव योग से इत्थं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे, वो भौंरा ऐसा सोच ही रहा था कि उसी समय एक हाथी आया। उस हाथी ने संपूर्ण कमल को पकड़ा, अपनी सूंड से और अपने पेट में रख लिया। इत्थं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारो। ये भौंरा कोई और नहीं है, हम और आप ही हैं। अब ऐसा होगा, इसके बाद फिर ये होगा और इसके बाद फिर ये होगा। एक लंबी लिस्ट हमारे पास है और ऐसा लगता है कि यह सब कुछ हम करेंगे, लेकिन उसी बीच में एक दिन आता है और फिर हमें एक मिनट का भी समय नहीं मिलता और हम यहां से चले जाते हैं। जब तक नहीं जाते तब तक इतनी इच्छाएं हमारे अंदर हैं। आज हमें वैराग्य की बात करनी है। सो वैराग्य में बाधक है इच्छा। किसी भी प्रकार की इच्छा अगर हमारे मन में, वो किसी भी प्रकार की इच्छा, इस बट नहीं लगाना उसमें, ऐसी ठीक होती है, ऐसी ठीक नहीं होती है, ना। जब शास्त्र कहता है जो मोक्ष की इच्छा है, उस इच्छा को भी शास्त्र पिशाची शब्द से संबोधित करता है।
तो फिर दूसरी इच्छाओं की बात हम क्या करें? जब तक हमारे जीवन में इच्छा रहेगी, भगवान नहीं आएंगे। हमें शांति नहीं मिलेगी, वह आनंद नहीं मिलेगा। कर्म करने से मना नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। कर्म तो जैसे करते हैं वैसे ही करते रहना है, उससे भी अच्छी तरह से करिए, और अच्छी तरह से होंगे ही, क्योंकि हमारा जो मन इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, वह मन फिर भगवान के साथ जुड़ जाएगा। एक संत कहता है, चाह चमारी नामरी, ये सब नीचन ते नीच। इस संसार में अगर किसी एक वस्तु को खोजा जाए कि सबसे खराब वस्तु क्या है, उसका नाम है चाह। चाह चमारी नामरी, ये सब नीचन ते नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती बीच। ये जो जीवात्मा है ये पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि कल आप सुन चुके हैं, जीवो ब्रह्म ही नापरः। जीव ही ब्रह्म है। ब्रह्म कोई सातवें आसमान पर रहने वाला, कोई अलौकिक तत्व नहीं है। हमारे मन में रहने वाली जो इच्छा है, हमारे मन में रहने वाली जो चाह है, ये बड़ी अनर्थकारिणी है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में गोकर्ण अपने पिताजी को उपदेश करता है, और उपदेश करते हुए एक बड़ी अच्छी बात कहता है। वो कहता है, पिताजी आप लोगों की चिंता करते हैं, आप अपने बेटे की चिंता करते हैं, क्योंकि आत्मदेव तो सबसे ज्यादा दुखी अपने बेटे से ही था, धुंधकारी से। तो गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप अपने बेटे की बात करते हैं, यह जो आपका शरीर है यह भी आपका नहीं है, किसी ने दिया हुआ है। और वहां बड़ी प्यारी बात गोकर्ण ने कही कि वैराग्य राग रसिको भव। वैराग्य से प्रेम करो, अगर प्रेम करना है तो राग से नहीं, वैराग्य से प्रेम करो। एक सज्जन कह रहे थे, और बात उनकी बिल्कुल सार्थक थी, कि चाहे जितनी चर्चा की जाए, ये मन का जो राग है ये मिटता नहीं है। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, कैसे मिटेगा? अरे भाई, एक जन्म का अभ्यास थोड़ी ना है, कितने जन्मों का अभ्यास है। सो आइए थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, ये राग होता कैसे है। क्योंकि अगर किसी वस्तु के बारे में हमें पता चल जाए, उसकी जड़ मिल जाए, तो जड़ को खोदना, जड़ को मिटाना आसान है। और मूले छिन्ने नई उपत्रम न शाखा, जब जड़ काट दी जाती है तो फिर वृक्ष अपने आप ही सूख जाता है। योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, सुखानुसई रागा, जहां से हमें सुख मिलता है, जिस व्यक्ति से हमें सुख मिलता है उससे हमारा राग हो जाता है। देखो, हम कहते हैं कि प्रेम हो जाता है, प्रेम नहीं होता।
क्योंकि अगर प्रेम होता तो प्रेम में और राग में यही अंतर है, प्रेम में कभी दुख नहीं होता। जिससे प्रेम होता है उस प्रेम के पात्र से कभी मनुष्य को दुख नहीं होता। और किसी भी क्षणभंगुर वस्तु से कभी प्रेम नहीं हो सकता, जो हर क्षण बदलने वाली हो उससे कैसे प्रेम हो सकता है। अच्छा आप एक बात बताओ, मान लो आपका कोई ऐसा मित्र हो जो हर क्षण नई नई बात करे, अभी कुछ कहे थोड़ी देर बाद उसके ठीक विपरीत बात करे, फिर बदल जाए और थोड़ी देर बाद फिर बदल जाए, आप उसे अपना दोस्त बनाओगे? आप कहोगे यार तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम क्षण क्षण तो बदल रहे हो, तुम मेरे कैसे हो सकते हो? अभी थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे और अब कुछ और कहने लगे। ये संसार हर क्षण बदल रहा है, वह व्यक्ति तो कुछ समय बाद बदलेगा। ऐसा कोई क्षण नहीं है। अच्छा मान लीजिए हमारे बाल सफेद हो गए, किस दिन हुए आप बता सकते हैं क्या? हम बूढ़े हो गए, किस दिन हुए? युवा हो गए, कब हो गए, किस दिन हुए? कोई तारीख है फिक्स? अजी हर क्षण हो रहे हैं, हर दिन नहीं हो रहे, हर क्षण हो रहे हैं। और जो क्षण गया वो वापस लौट करके आने वाला नहीं है। और ये संसार बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है, यहां सबका चिंतन उल्टा है। लोग आपसे कहते हैं आप इतने वर्ष के हो गए, यही तो कहते हैं ना, ये सच है क्या? कहना तो ये चाहिए कि आपके जीवन में इतने वर्ष कम हो गए, कहते ठीक उल्टा है। अब आप 50 वर्ष के हो गए, 50 वर्ष के हो गए कि जीवन में से 50 वर्ष कम हो गए, ऐसा बोले तो व्यक्ति जागृत बना रहे, अब कितने बची उनका हिसाब लगावे। यहां तो सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। कब आता है? जब इंद्रियां काम नहीं करती, समा जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गोकर्ण ने कहा अपने पिताजी से, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होगा, न ज्ञान होगा न भक्ति होगी। हम आप क्या चाहते? हमें चाहिए अपने जीवन में ज्ञान। जिस क्षण ज्ञान हो जाएगा, जिस क्षण ज्ञान हो जाएगा उसी समय आप इसी जीवन में मुक्ति का अनुभव करेंगे। मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती, मरने के बाद तो शरीर से मुक्ति मिलती है, इस शरीर से छुटकारा मिलता है और दूसरा शरीर मिल जाता है।
सो मरने से मुक्ति नहीं मिलती। अगर मुक्ति मिलना है तो इसी संसार में मिलेगी। उसका सरल उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय है, कोई कठिन नहीं है। और सबसे सरल उपाय ये है कि अब सब तो कर लिया और सब कुछ करके देख लिया, अब भी कुछ करना बकाया है क्या? और कुछ बकाया हो तो मेरे को भी बता दीजिएगा। हमें सही सही बताया ही नहीं जाता। छोटे थे तो कुछ और बताया गया, थोड़ा और बड़े हुए तो कुछ और बताया गया, और कभी राम कथा में पहुंच गए तो लोगों ने कहा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। राम कथा की भी उम्र होती है क्या? ज्ञान को प्राप्त करने की भी कोई उम्र होती है क्या? सत्य को जान लेने की भी कोई उम्र होती है क्या? सो बचपन में सिखाया गया कि धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। ये पिंजड़े का पंछी अब जब किसी लायक नहीं रहा, ये पिंजड़े का पंछी क्योंकि अभ्यास नहीं किया जीवन भर, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मनुष्य में इतनी संकल्प शक्ति है, इतनी संकल्प शक्ति है कि वो जहां बैठा हुआ है अगर वहीं संकल्प ले ले तो उसका कल्याण हो जाए। और भगवान तो गीता में कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, तू सच्चे मन से एक बार तो कह दे मैं तेरा हूं। लेकिन ऐसा कहने के बाद फिर संसार में किसी से मत कहना कि मैं तेरा हूं। जो भगवान के पास जाकर के भगवान से कहता है हे भगवान मैं आपका हूं, और घर में जाकर के एकांत में अपनी पत्नी से कहता है मैं तो तेरा हूं, भगवान कहते मेरे को पता नहीं है क्या? कि तू हृदय से मेरा है या किसी और का है? सुपिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। जब हम इस संसार से जाएंगे हम नहीं बोलेंगे लेकिन सब बोलेंगे। हम अभी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं क्या? किसी के जन्मदिन पर जाइए और वहां बोल दीजिए, एक बार एक ही बार बोल दीजिए राम नाम सत्य है। किसी के शादी के निमंत्रण में आपने ऊपर लिखा हुआ देखा राम नाम सत्य है, क्योंकि जीवन में सत्य नहीं है। एक महाराज थे रंतिदेव, पुराणों में कथा आती है, राज्य छोड़ दिया, वन में जाकर के तपस्या करने लगे। सो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान ने कहा राजन तुमने बहुत तप किया है, बहुत धर्म किया है, सो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, जो चाहो मुझसे मांग लो।
रंति देव कहते हैं, महाराज अगर आप देना चाहते हो तो मुझे केवल एक ही वरदान दो। न तो हम कामये राज्यम, मैं आपसे राज्य नहीं चाहता, उसे तो मैं छोड़ के आया हूं। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, और भगवान मैं स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। भगवान ने कहा ये तो बताओ तुम चाहते क्या हो। भय कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्तिनाशनम, जो दुखों से संतप्त जीव हैं उनका दुख दूर कर दीजिए। और वे भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप मेरे को सबके हृदय में बैठा दीजिए। भगवान ने कहा वहां तो मैं पहले से बैठा हुआ हूं। बोले यही तो चमत्कार है कि आप वहां बैठे हुए हो और फिर भी जीव दुखी है। भगवान ने कहा राजन ये जीव इतना दुष्ट है, मैं जानबूझ करके मैंने संसार को बनाया, और संसार को बनाने के बाद इस जीव के हृदय में जाकर के बैठ गया कि अब तो ये मेरी ओर देखेगा। इसने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। अच्छा अगर भगवान को एक बार देख लिया होता तो संसार को देखने की इच्छा होती? गोपियों ने भगवान का दर्शन किया तो भगवान का दर्शन करने के बाद फिर उन्होंने क्या कहा? कुछ समय के लिए भगवान अदृश्य हो गए। सुगोपियां रोने लगी। हम संसार के लिए रोते हैं, श्रीमद् भागवत की गोपियां भगवान के लिए रोती हैं। हमने अपने जीवन में रोने का दुख तो देखा, रोने का सुख कैसा होता है इसे अगर देखना हो भगवान के लिए रो करके देखो। जीव धन के लिए रोता है, मकान के लिए रोता है, दुकान के लिए रोता है, पत्नी के लिए रोता है, अरे पुत्रों के लिए भी लोग रोते हैं, भगवान के लिए नहीं रोते। गोपियां भगवान के लिए रोती हैं और वे कहती हैं अब संसार में देखने लायक है क्या? ये संसार तब तक सुंदर लगता है जब तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। गोपियां कहती हैं कि बिछुरे पिया के जग सुनो भयो, अब का करिए कहु देखिए का। अब क्या देखें और क्या करें? सुख छाड़ के संगम को उनके, इन तुच्छन को अब लेखिए का। हरिचंद जो हिरन को व्यापार के, जिसने हीरों का व्यापार किया हो, जिसके हाथ में हीरे मोती जवाहरात बहुमूल्य रत्न रहे हों, वो कांच की दुकान नहीं लगाता। सोहरी चंद जु हिरन को व्यापार के, कांचन को ले परेखिए का। जिन आँखिन में वह रूप बस्यो,
उन आँखिन सो अब देखिए का। गोपियां कहती हैं अब संसार में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह जो संसार की प्यास है यही हमारे दुख का मूल कारण है। महाभारत में लिखा है नास्ति तृष्णा समम दुखम। तृष्णा माने संसार की जड़ वस्तुओं की, संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं की, संसार की साथ न रहने वाली वस्तुओं की प्यास और इनकी इच्छा। सो महाभारतकार लिखते हैं कि नास्ति तृष्णा समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। तृष्णा के जैसा संसार में कोई दुख नहीं है और त्याग के जैसा संसार में कोई सुख नहीं है। वैराग्य के जैसा संसार में कोई सुख नहीं है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बिन गुरु होए कि ज्ञान। जीवन में अगर सच्चा ज्ञान चाहिए तो गुरु की आवश्यकता है, और संसार में अगर गुरु न मिले तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान को अपना गुरु बना लो, श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लो, उनसे बढ़िया गुरु जो जो सारे संसार का गुरु है। आपका हमारा गुरु है कि नहीं है, उन्हें बनाना थोड़ी ना है। जो सारे संसार का गुरु है वो हमारा और आपका नहीं है क्या? हम आप संसार से बाहर हैं क्या? वो हमारा आपका भी गुरु है। अगर वे अर्जुन को ज्ञान दे सकते हैं और अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बात कही, अर्जुन ने पूछा महाराज आप मेरे को तो गीता का ज्ञान दे रहे हो, संसार के लोग आगे जो आने वाले हैं उन्हें भी तो इस ज्ञान की आवश्यकता होगी। भगवान ने कहा अर्जुन जैसे मैं तेरे रथ पर बैठा हुआ हूं वैसे ही ये शरीर क्या है, ये शरीर भी एक रथ है। सो हर शरीर रूपी रथ पर, हर मनुष्य के शरीर रूपी रथ के ऊपर मैं बैठता हूं और सदा बैठा रहता हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये सृजन् तिष्ठति। अच्छा आप कोई भी गलत काम करने चलो, एक प्रयोग देखो, कोई भी गलत काम जब भी करने का मन में आता है, करने की बात तो बहुत दूर आती है, मन में बैठा हुआ कोई अंदर से मना करता है नहीं बहुत गंदा काम है ये मत करो, वो कौन है? अगर अपने हृदय में आप केवल अकेले बैठे हो तो ये दूसरा कौन है जो हर गलत काम करने के लिए मना करता है? यही भगवान है। क्योंकि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये सृजन् तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छो। किसकी शरण में जाने के लिए भगवान कहते हैं? बोले जब भी कुछ गलत करने का मन करे आप एकांत में जाकर के अपने आप से पूछ लिया करो, अंदर से आवाज आएगी। और हमारे भगवान तो हमारे घर में विराजमान है, उनके पास जाकर के पूछ लो। भगवान ने कहा
तू कहाँ जाएगा, मैं ही तेरे पास आ जाता हूं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।